शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरबतसेना बेतिया, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी विल रीड अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। इन द प्रीवियस क्लासेस we have learned about various pattern in class 6, 7, 8. हम लोगों ने pattern के बारे में पढ़े हैं। Pattern इन जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 2, 1, 2, 3, 4, ये pattern क्या हुआ, हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 up to n, तो हम लिखते हैं pattern ये end पर है। तो इन previous classes we have learned about various pattern of numbers. Before we learn the arithmetic progression, we need to know about some terms, sequence. Sequence को बारे में आप जानिए कि कोई भी number, suppose 2, 3, 4, 5, 6, 8 इस तरह का कोई number दिया हुआ है, उसको किसी एक निश्चित pattern में arrange किया हुआ है तो वह कहलाता है sequence. A sequence is an arrangement of any object or set of numbers in a particular order followed by some rule. किसी rule को, जैसे for example 1, 4, 9, 16, ये numbers जो है pattern, ये pattern है और ये arrange किया हुआ है। इसका pattern क्या है आप पढ़े हैं कि n square, it is n, the pattern of n square, n is equal to 1 तो 1, n is equal to 2, 2 जा 4, n is equal to 3, 3 जा 9, n is equal to 4, 4 जा 16, दिए एक पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल 4, 7, 10, 13, यह भी एक पैटर्न है, यह भी एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है, 3n+1 फॉलो करता है। यानी अब सीक्वेंस को हम लोग डिवाइड, सीक्वेंस को भी हम बांटते हैं, इसको भी टाइप में बांटते हैं, डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। या इसमें देखिए, जैसे 4, 7, 10, 13 ये जो लिखा है इसमें ये टर्म है, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव टर्म्स है, ये टर्म है, 4 भी टर्म है, 7 भी टर्म है, 10 भी। जैसे हम लोग 4 फर्स्ट टर्म हो गया, 7 सेकेंड टर्म हो गया, 10 थर्ड टर्म हो गया, इस तरह 13 फोर्थ टर्म हो गया, इस तरह टर्म। तो ए सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट जो निश्चित है, ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एग्जाम्पल ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 के बीच सभी नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग है कि 20 से नहीं, 21 नहीं होगा, ये नहीं है, काउंटिंग है, नॉट मोर देन 20। तो ये आपका फाइनाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 5, 8, 11 up to 10 टर्म, यानी 10 टर्म तक, ऐसा नहीं कि 11 टर्म लेते हैं, 10 टर्म तक हम लोग लेते हैं, ये फाइनाइट है, निश्चित टर्म्स है। इनफाइनाइट, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट ए फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई इन्फिनिटिव, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinitive, 2, 4, अब मान लीजिए अब सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से आपका बन रहा है। तो ये फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट, इस दो बात इसको बात। अब एक शब्द एक आता है सीक्वेंस के बाद, आता है सीरीज, सीक्वेंस के बाद सीरीज आता है, ध्यान देंगे। सीक्वेंस के बाद सीरीज आता है। सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, नंबर को ध्यान दीजिएगा, नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, जो टर्म्स है जब एडिशन होता है। द सीरीज कैन बी हाईली जनरेटेड एज द सम ऑफ ऑल टर्म इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस में जब ऐड का साइन रहता है, 1, 2, 3, 1+2+3+4+ इस तरह से अगर रहता है, सम होता है, तो ये सीरीज कैन बी हाईली जनरेटेड एज द सम ऑफ ऑल टर्म इन ए सीक्वेंस। एग्जांपल 1+2+3+4+5, यानी ऐड इस सीक्वेंस में जो टर्म है वह ऐड है, एक दूसरे से वह ऐड है। अब हम लोग
पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही सीक्वेंस और सीरीज को जब हम जान गए तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट यानी इसमें कोई जो सीक्वेंस दिया हुआ है सीक्वेंस में एक कॉन्स्टेंट यानी फिक्स नंबर को हम लोग एड करते जाते हैं या एड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग तो एड करते जाते हैं हम लोग। तो लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़कर अन्य सभी टर्म में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग और फिक्स्ड एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़कर सभी टर्म में हम जैसे इसका जनरल फॉर्म ए पी का होता है जैसे फर्स्ट टर्म ए और डी कोई हम लोग फिक्स नंबर है ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी इस तरह से एग्जांपल जैसे 5, 9, 13, 17। तो इसमें देखिए आप 9-5, 4 13-9, 4 17-13, 4 यानी 4 फिक्स नंबर है जो सब में एड किया गया है। हियर 4 इज एडेड इन प्रीसीडिंग टर्म। दिस फिक्स नंबर ये जो 4 है दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस दिस फिक्स नंबर इज विच इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए पी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से कैन बी पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म तो अब यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म हम लोग क्या कहते हैं पीच डिनोटेड बाय ए फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से करते हैं एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस दोनों का 4-2, 2, 6-4, 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। अब सबसे इसमें ध्यान देंगे कि हम लोग nth टर्म को पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नाउ कंसीडर nth टर्म हम लोग बनते हैं कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और कहेंगे इसका 100 टर्म कौन सा होगा इसको कहेंगे 5500 टर्म्स क्या होगा तो हम लोग फिर इसको लिखते जाएंगे या काउंट करते जाते हैं ऐसा नहीं इसको हम लोग एक फार्मूला बना रहे हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पी जैसे फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस उसमें जोड़ेंगे डी फिर ए टू डी इस तरह से सोन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि द फर्स्ट टर्म ऑफ कैन बी रिटर्न इज द इट्स टर्म कैन बी इसको ऐसा लिख सकते हैं द फर्स्ट टर्म को हम लोग ए वन मान लेते हैं A1 चूँकि फर्स्ट टर्म है तो A1 ए प्लस एन माइनस यानी ए लिखते ही है फर्स्ट टर्म को तो ए लिखने के लिए एन माइनस वन माइनस वन इंटू डी करेंगे जीरो हो जाएगा तो ए प्लस जीरो ए हो गया। उसी तरह सेकेंड टर्म को हम लोग लगते हैं A2 तो A2-1 इंटू डी A प्लस डी ध्यान दीजिएगा। थर्ड टर्म A3 लेते हैं तो A+3-1 इंटू डी यानी A+2D मैंने अभी दिखा यहाँ पर। इसी तरह से फोर्थ टर्म अगर लेते हैं तो A+4 तो A+N-4-1 इंटू डी और यानी A+3D सो ऑन। इसी तरह फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवन्थ टर्म तो अब nth टर्म यानी An तो A प्लस जो टर्म है N-1 इंटू डी ये फार्मूला बन जाता है ये फार्मूला हैंस द nth टर्म ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय nth टर्म ए प्लस N-1 इंटू डी। और An ऑल्सो कॉल्ड nth टर्म और An को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं लास्ट टर्म को हम लोग कभी कभी n भी बोल देते an भी बोलते हैं an इज इक्वल टू l भी होता है। इस तरह से आज हम लोग एपी के बारे में पढ़े फिर इसके बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे।
इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल अगले दिन पढ़ेंगे। आज इस इतना ही, इसको अपने होमवर्क कॉपी में नोट कर लेंगे।